गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पिजन डायरीज। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया। और हमारी बुधवार की सुबह हो चुकी है मस्त, आज हैप्पी अग्यारस के साथ। तो आप सबको हमारी तरफ से, पिजन डायरीज की तरफ से, देवसुती अग्यारस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बस भगवान का आशीर्वाद रहे, ऐसे ही सुख शांति बनी रहे और तबीयत अच्छी रहे, वो सबसे बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तबीयत अच्छी होगी तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे। इसीलिए तो बस फ्रेंड्स, मैं भी फ्रेश हो गई, नहा धो के तैयार, और बस चाय पीऊँगी। और शाम के लिए मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं, तो आलू की सब्जी बनाऊँगी। और देखती हूँ राजागरा का कुछ बना दूँ ऐसा सोच रही हूँ, तो वो तो तभी बनाऊँगी क्योंकि गरम गरम होगा तो ही वो सॉफ्ट होगा। अदरवाइज राजागरा है ना, वो फिर कड़क हार थोड़ा हो जाता है। इसलिए तो बस यही है देवसुती अग्यारस, बहुत बड़ी अग्यारस होती है ये। देवलोक सो जाते हैं ऐसा बोलते हैं 4 महीने के लिए। और आज से ही चतुर्मास भी शुरू हो रहा है। चतुर्मास मीन्स अभी 4 मास है हमारे, जो श्रावण, गणेश, मतलब सब कुछ शुरू होगा दिवाली तक। तो तब तक कुछ लोग तो मैंने सुना है चतुर्मास भी रखते हैं, मतलब 4 माह तक फास्ट रखते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है वो भी, 4 माह मतलब इज़ नॉट अ लाइक, छोटी बात नहीं होती वो। तो बस मतलब जिसकी जैसी शक्ति, यू नो, कभी कभी किसी को हेल्थ इश्यू होता है, कभी कुछ कोई लोग नहीं रख पाते हैं, सब कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है। किसी को सिर दर्द का होता है, किसी को पित्त वायु होता है, सब कुछ होता है। तो डिपेंड आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि वो मेन होता है। इसलिए तो बस फ्रेंड्स, जनक को भी आज मैंने तरबूज और स्ट्रॉबेरी वो सब लाए थे, वो दे दिया है, तो वो भी उनका वहाँ कर रहे होंगे। तो बाद में उनको फ़ोन करती हूँ, क्योंकि कल रात को भी उनको थोड़ा सा, वो कल पानी पी लिया था ना, जिम से आते वक्त उन्होंने थोड़ा पानी पी लिया था, तो तब वो भूल गए थे, तो डायरेक्ट इधर चला गया था, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा रात को था पेन। तो अभी पूछती हूँ बाद में उनको। और आज मेरा एक पार्सल आने वाला है, तो इसलिए बस मैं थोड़े फाफे मार रही हूँ बाहर। और देखिए मैंने विंडो ओपन कर दी है पूरी, क्योंकि मैंने सुबह ही भिंडी की सब्जी बना दी थी, जो उस दिन भिंडी लाए थे ना वो, क्योंकि टिफिन में लेके जाऊंगी कल, इसीलिए बना के रेडी कर दिया है सुबह सुबह ही उसको। और क्या है, आलू भी सुबह ही अभी बॉयल कर दूंगी, ताकि फिर दिन भर वो प्रॉब्लम नहीं, जब बनाना होगा ना तब फिर सिर्फ फ्राई करना ही रहेगा। इसलिए तो बस फ्रेंड्स, इस तरीके से है कुछ। और कल नहीं, परसों से गौरी व्रत भी है, तो जो जो लड़कियां गौरी व्रत रख रही है उनके लिए भी बहुत सारी महादेव जी का आशीर्वाद रहे आप पर। और आपको महादेव जी जैसा अच्छा वाला, संस्कारी और मस्त वाला पति मिले, राइट? इसीलिए तो हम ये सब करते हैं फास्ट। ये सबका इम्पोर्टेंस ही यही है कि जीवन साथी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी उनके साथ बितानी होती है। तो जीवन साथी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है लाइफ में। आप अपना, ऑफ कोर्स पेरेंट्स के घर तो आप खुशी होते हो क्योंकि उनके साथ होते हो, तब तक की तो बात ही नहीं करने की हमें, क्योंकि वो तो लेवल अप की बात होती है। क्योंकि उनके जैसी खुशी तो आपको मांगो, बिना मांगे ही मिल जाए, तो वो क्या बोले, तो वो पेरेंट्स ही होते हैं ना। इसीलिए फ्रेंड्स, तो बस वैसा ही पति मिले कि आपको बिना बोले आपका पति समझ जाए और ज़िंदगी भर आपका साथ निभाए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। मतलब दोनों ही, हस्बैंड वाइफ दोनों की ही बात कर रही हूँ, दोनों को ही समझना चाहिए एक दूसरे को, दोनों को ही एक दूसरे के साथ लाइफ बितानी है तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए। कभी कभी होता है हमें कि कोई चीज़ पसंद ना भी हो, तो वही है कि वो एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, वही तो लाइफ पार्टनर है। तो बस यही है, तो ही आप खुशी से जी सकते हो एक दूसरे के साथ। और मैं मानती हूँ तब तक लाइफ पार्टनर से ज़्यादा है ना, आप अपने पार्टनर को एज अ फ्रेंड रखिए, तो आप बहुत अच्छे से लाइफ जी सकते हो। क्योंकि फ्रेंड होते हैं ना, उनको हमारी छोटी सी छोटी बंदी पता होती है, वही तो दोस्त होते हैं ना। तो बस वैसा ही दोस्त रखे अपने पति को, आपके बारे में हर चीज़, हर छोटी सी छोटी चीज़ उनको पता होनी चाहिए, तो क्या होता है, लाइफ एकदम इजी हो जाती है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी आपको समझ जाता है एकदम अंदर से डीपली। तो चलिए बस मैं अभी चाय नाश्ता करती हूँ और ये मैं आपको कंटिन्यू रखती हूँ, जनक आएंगे ना उसके बाद हम ये टॉपिक में वापस बात करेंगे। मुझे गौरी व्रत से ये सब याद आ गया, क्योंकि इसीलिए तो होता है पति का। तो फ्रेंड्स 12 बज गए और मैंने सोचा कि चलिए अभी आलू की सब्जी मैं बनाई देती हूँ, क्योंकि बॉयल हो ही चुके थे मेरे आलू जो मैंने सुबह रखे थे। तो बस अभी उसकी सब्जी बना रही हूँ, फराड़ी सब्जी। और रोटी मैं शाम को बनाऊंगी, थोड़ी सी गर्म होगी तो सॉफ्ट रहेगी। इसलिए तो राजागरा की रोटी और आलू की सब्जी आज के लिए, फराड़ के लिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ अपनी आलू की फराड़ी सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल रख ही दिया था, तो उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमें डालना है थोड़ा सा जीरा, जीरा हो जाए उसके बाद ग्रीन चिली, आप चाहे तो ग्रीन चिली की पेस्ट भी डाल सकते हो या फिर ऐसे ग्रीन चिली कट करके भी डाल सकते हो, थोड़ी सी ग्रीन चिली और कड़ी पत्ते। जैसे ही ग्रीन चिली थोड़े फ्राई हो जाए ना इसके अंदर, मैंने आलू बॉईल करके रख ही दिया था और उसके देखिए छोटे छोटे पीस कर दिए हैं, बस अब इसके अंदर हमारा आलू जाएगा। ये सब्जी फ्रेंड्स फराड़ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, अगर 11 हो या फिर आप रेगुलर भी कुछ फास्ट कर रहे हो। ये देखिए आलू को मस्त मिक्स कर दिया है मसाला सबके साथ। अब उसके अंदर मैं थोड़े से पीनट्स को मैंने ग्राइंड करके रख दिया था, आप चाहे तो एकदम से पूरा ग्राइंड करके भी कर सकते हो, पर मैंने थोड़े मैंने अधकचरे किए हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा भी है और थोड़े से ऐसे आपको पीनट्स दिखेंगे भी आधे आधे। तो बस चलिए अभी थोड़े से वो ऐड कर देते हैं। पीनट्स डालने से क्या है, आपका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें सब्जी में। अगर ये तो आपको कुछ बनाना नहीं है ना, रोटी कुछ और ऐसे ही खाना है ना सिर्फ चम्मच के साथ, तो भी आप खा सकते हो क्योंकि पीनट्स आ जाता है ना तो वो काफ़ी टेस्टी हो जाता है। ये देखिए मस्त सबको मिक्स कर लिया। मैंने और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढककर दूंगी। इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है आपको, इसको आपको ज़्यादा पकाना भी नहीं है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं। मैं बस वो थोड़े से पीनट्स ग्रीन चिली वो सब मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट पूरा आलू के अंदर आ जाए ना, इसीलिए उसको ढक के रखा है सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ताकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बस ये हो जाए उसके बाद हमें हमारा सिंध सॉल्ट जो है वो डाल देना है। सिंधा डाल देंगे इसके अंदर हम। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है ये फराड़ के लिए। बस चलिए डाल दिया सब कुछ इसके अंदर। जो हम कड़ी पत्ता डाल देना फ्रेंड्स, उसका भी टेस्ट और उसकी खुशबू मस्त बहुत ही अच्छी आती है सब्जी के अंदर। आप चाहे तो लास्ट में गार्निश के लिए धनिया भी डाल सकते हो, कोरिएंडर। ये देखिए मस्त। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की सब्जी रेडी हमारी, कुछ टाइम नहीं लगा बस। और मैं ये गैस ऑफ कर रही हूँ, ढक करके रखती है। बस अभी होता रहेगा वो इसके साथ सॉल्ट और मसाला सब कुछ मिक्स होता रहेगा क्योंकि ऑलरेडी गर्म ही है, इसलिए बस आपका सब कुछ रेडी होना, बॉईल करके आप सुबह रख दो, फिर आप जब चाहो तब बना सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब रोटी कैसे बनाते हैं राजगरा की वो मैं आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो पूरा देखिए एंड तक में, तो आपको देखने मिल ही जाएगा वो भी। तो बस बहुत कुछ आज मैंने कल के लिए भी थोड़ा बना दिया, आज के लिए भी कल रात को सब्जी बनानी है वो भी बॉईल करके रख दूंगी अभी, ताकि कल जॉब से आकर मुझे वो बॉईल भी ना करना पड़े, सीटी ना लगानी पड़े, सब कुछ अभी रेडी कर दूंगी। तो 12 बज चुके हैं, बाद में मैं देखती हूँ मेरा लंच टाइम भी कर लेती हूँ और कुछ नहीं फ्रेंड्स। काफ़ी अभी तो शायद थंडर स्टॉर्म भी है आफ्टरनून के बाद, तो ऐसा आ रहा है हीट शायद थोड़ी सी कम होगी। तो ये देखिए सुबह ही मैंने इडली बैटर भी रख दिया है, देखती हूँ आज डोसा बनाऊँ शायद, ऐसा सोच रही हूँ वीकेंड पे, फिर देखते हैं कैसा। बैटर के ऊपर डिपेंड होता है कभी कभी यू नो, क्योंकि डोसा के लिए थोड़ा सा पतला और वैसा बैटर चाहिए ना, इसलिए।
तो कभी कभी राइस है ना वो थोड़े से ऐसे कनी कनी वाला होता है ना, वैसा हो जाता है। पर इस बार मैं दूसरे राइस लाई हूँ, मेरे लास्ट टाइम वाले थे ना वो राइस ख़त्म हो चुके थे, तो मैं नए लाई हूँ। देखते हैं अभी उसका कैसा रहता है, उसके ऊपर है फिर। तो चलिए मेरी सब्जी रेडी कर देती हूँ, मेरा पसीना देखिए आप। तो फ्रेंड्स 4 बज गए और जनक भी आ गए, और आते ही उन्होंने मुझे याद करवाया कि हमारे पास शक्करिया है और मैं भूल गई थी, तो बस शक्करिया को रख दिया है। कुकर में भी रख सकते थे पर अभी वापस, अभी मैंने उसको साफ करके रखा है तो रहने दिया। तो बस चाय नाश्ता करेंगे अभी। और गर्मी कैसी है बाहर? बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, 100+। पर आज शायद रात तक थोड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि थंडर स्टॉर्म है शायद शाम को, और वेदर दिखा रहा है कि हीट वेव में थोड़ा रिलीफ मिलेगा ऐसा आ रहा है। तो गर्मी होती तो एक तरीके से अच्छा है, मेरा बैटर थोड़ा अच्छा से रेडी हो जाएगा ये बाहर। तो बस फ्रेंड्स कुछ नहीं, चाय नाश्ता करेंगे। 4 बज गए, पूरा दिन ख़त्म होने आ रहा है, और कुछ नहीं इनको थोड़ा आराम करने देते हैं, बाद में हम थोड़ी सी हमारी वार्तालाप करेंगे। क्या करेंगे? वार्तालाप? वार्तालाप? हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बातें हैं ना पूरे दिन की होती है, तभी मैं इनके साथ बात करूँगी सब। हाँ पूरे दिन का बाकी है, सुनूंगा मैं, डोंट वरी, आपके सब बात सुनता हूँ। तो चलिए हम बातचीत करते हैं हमारी गपशप, तो उसमें मैं चाय नाश्ता भी कर लेते हैं, उतने में शक्करिया भी हो ही जाएगा हमारा। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, गर्मी तो रहेगी ही, उसका टाइम है तो ऑफ कोर्स। और 11 के दिन और क्या करते हैं? मैंने जब इंडिया में थे ना तब मुझे पता है कि 11 के दिन है ना हम सब मंदिर जाते थे और दिया करके आते थे, ऐसा पता नहीं क्यों पर ऐसा करते थे तब। तो आज तो नहीं जा सकते, तो देखते हैं अभी तो 4 मास है, 4 मास में तो हम बहुत बार जाएंगे है ना। तो मस्त। तो फ्रेंड्स नए राइस जो मैं लाई थी ना उससे मैंने आज कल उसको सोक करके आज उसका मैंने बैटर रेडी किया है। तो चलिए, मुझे वो था कि वो राइस कैसे रहेंगे, पर वो भी अच्छे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो बैटर भी मेरा मस्त पहले के जैसे ये ही देखिए हुआ है। फ्रेंड्स, अभी जो नए राइस लाए हूँ ना वो अलग वाले हैं, मतलब जो मैं लाती थी वो नहीं है, मैंने दूसरे ट्राई किए हैं, कॉस्को से लाई थी, रॉयल के वो वाले हैं। पर देखिए मस्त वाला आया है ना, फर्मेंटेशन इसका भी देखिए मस्त है। फ्रेंड्स शाम हो गई है और मैंने सोचा कि चलो अब रोटी भी बनाकर रेडी कर ही देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, नहीं बता रही थी कि आज शाम को मैं राजागरा की रोटी बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये लाई थी पटेल ब्रदर्स से राजागरा फ्लोर। तो चलिए बनाते हैं रोटी फास्ट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 कप जितना राजागरा ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा घी 1 चम्मच जितना, एक चम्मच घी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर उसमें ऐड होगा हमारा आलू। मैंने है ना सुबह जो बॉईल किया था उससे ही सब्जी बनाई, और एक आलू मैंने रखा था इसके लिए कि जब रोटी बनाएंगे तब हमें इसमें ऐड करना होता है। तो इसमें क्या है, हम आलू ऐड करेंगे ना तो वो रोटी अच्छे से सॉफ्ट रहेगी आलू की वजह से। अगर आप आलू ऐड नहीं करोगे ना इसके अंदर तो वो रोटी हार्ड हो जाएगी बाद में। तो आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे हाथ से मैश भी कर सकते हो, पर मैश करो तो फिर आपको अच्छे से करना होगा, अदरवाइज वो रोटी में आएगा। फिर ये देखिए मस्त अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को रागी और सॉरी राजागरा फ्लावर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, आप देख ही सकते हो, देखिए अच्छे से मस्त हो चुका है ना।
अब उसमें हम रेगुलर हमारा जो लोट रेडी करते हैं हम वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमारा राजद्रा फ्लोर डो रेडी करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो ही जाएगा वो। तो ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली डो रेडी हो चुका है, पर मैंने है ना आलू को वो छोटे छोटे पीस करके उसके बाद इसमें मैश किया। आप है ना क्या करना कि उसको कद्दूकस करके फिर ही इसमें करना, क्योंकि देखिए मेरे में है ना थोड़े थोड़े ऐसे छोटे वाले पीस भी इतने इतने भी रह चुके हैं, यू नो, इसलिए अगर आप वो कर डालोगे ना तो रोटी जब आप बेलोगे तो ये सब बीच में नहीं आएगा, ताकि रोटी फटने के या फिर ऐसे क्रैक होने के चांसेस कम रहेंगे। तभी नेक्स्ट टाइम मैं भी वैसे ट्राई करूँगी, पर इसमें मुझे ऐसा लगा है अभी। तो बस इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स अचानक से वेदर चेंज, जैसे मैंने बोला था थंडर स्टॉर्म आने वाला है तो ये आ गया है, बारिश शुरू। बस ठंडा हो जाए अभी थोड़ा। ये देखिए पूरा एटमोस्फियर चेंज। मैंने विंडो भी थोड़ी देर ओपन करके रख दी है, जनक थोड़ी देर सो गए हैं, ओह नो, और मैं अपनी रोटी बनाने बैठ गई हूँ। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि जो हमने डो रेडी करके रखा था तो अभी वो रोटी हमारी कैसे बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा लुआ और मैंने रागी और राजग्रह में मेरा अभी मिक्स हो रहा है, क्योंकि दो दिन से मैं यही सब कर रही हूँ इसलिए। तो ये देखिए अभी हमारा राजग्रह के फ्लोर में ही मैंने ये ऐसे थोड़ा डिप कर दिया और वापस से, क्योंकि वो ऐसे तो अच्छे से ही बेल रही है, मैंने एक दो करके भी देख ली है। जैसे मैंने बोला आलू हमने डाला था ना फ्रेंड्स, उसके वजह से देखिए ये अच्छे से आप बेल सकते हो, ना ही टूट सकती है अदरवाइज, और सॉफ्ट भी हो रही है। ये देखिए मस्त। बस चलिए हो ही चुकी है अच्छे से। अब ये जाएगी हमारी तवे के ऊपर, ये डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स हमारी राजग्रह और आलू की रोटी रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स मस्त हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए है ना मस्त अच्छे से हो। और आप ये सब फास्ट के लिए बना रहे हो तो मेक श्योर के सब थोड़ा सा, क्योंकि हम डेली रूटीन में भी यही सब यूज़ करते हैं ना, तो माय गॉड मेरी हालत देखो आप, तो यूज़ करते हो तो ऑफ कोर्स वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पहले सब कुछ वॉश कर दिया, पाटली से लेकर बेलन से लेकर तवा सब कुछ वॉश करके फिर मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये सब फास्ट के लिए है इसलिए। और फ्रेंड्स बाहर का वेदर बहुत ही अजीब हो रहा है, ये देखिए मस्त अभी थोड़ा सा ठंडा लग रहा है इसलिए मैंने विंडो भी ओपन कर ली है, और नेचुरल हवा आती है ना, नेचुरल ठंड आती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा धड़ाका भी हुआ है एक दो बार, वापस हो गया तो मैं आपको लेकर चलूँगी बाहर, मुझे बहुत पसंद है धड़ाका, कभी कभी डर लग जाता है पर मुझे पसंद है उसकी आवाज़। तो फ्रेंड्स चतुर्मास शुरू हो रहा है आज से, और इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। ये देखिए इतनी खूबसूरत सी बारिश फ्रेंड्स, तो फिर चतुर्मास बाकी कैसे रहेगा। आप कहाँ कहीं पे भी हो महादेव जी का आशीर्वाद तो आ ही जाता है। ये देखिए बहुत सारी बारिश हो रही है,
तो फ्रेंड्स 6:30 हुए और हम दोनों वापस से वॉक के लिए निकल गए हैं, और आज तो पानी की बॉटल लाए नहीं है कि पीने लगे, भूल जाए और पीने लगे, इसलिए पानी की बॉटल नहीं लाए। तो घर जाके फिर संभाल के शांति से आराम से ऐसे वैसे जो कर रहा है वैसे करके पी सकते हैं वो, है ना। तो बस फ्रेंड्स निकल पड़े हैं, अभी बारिश हो गई ना तो काफ़ी थोड़ा सा ठंडक हो चुका है। बस मैं बोलूँ थोड़ा सा ठंडक स्टॉम आ जाए वापस से ज़ोर से तो अच्छा लगे। और तो फ्रेंड्स बस कल से जॉब शुरू जाना है, तो मैंने सब मेनू सोच के रख लिया है क्या क्या बनाना है संडे तक का। भाई साहब सलाम, इनको सलाम। अरे इनको भी बता दिया है संडे तक का क्या मेनू है, अगर उसमें कुछ चेंज कुछ करना हो तो वो मुझे बता सकते हैं। ना ना प्लान बन गया, सो बन गया। हाँ प्लान बन चुका है सुबह शाम का, तो क्या है इजी रहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। और सब पान मस्त बारिश में साफ हो गए, इनको भी मज़ा आएगा अभी। हाँ यहाँ पे डस्ट इसलिए नहीं दिखता क्योंकि है ना बारिश थोड़ा सा तो ऐसे आ ही जाता है, तो क्या है वो सब मस्त क्लीन करके जाता है इसलिए। ये देखिए सूरत दादा, बारिश भी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारी जो टॉपिक पे बात बाकी है ना वो हम कल बात करेंगे, इनको कल उनका सवाल जवाब पूछा जाएगा, आज रहने देते हैं। कौन सा टॉपिक? क्योंकि आज वो थोड़े सो गए थे, मैं रोटी बना रही तब, और फिर मैंने इनको उठाया नहीं तो थोड़ा सा वो बाकी रह गया है टॉपिक, वो हम मैंने एक टॉपिक पे बात छेड़ी थी तो उसके बारे में मैं आपको कल पूछूंगी, कल बातचीत होगी। और ये देखिए फ्रेंड्स पीछे कितना काला हो चुका है, है ना। हाँ तो फ्रेंड्स हम जब आए थे ना तब तो पब्लिक था जिम, पर अभी जाके हमारा प्राइवेट हो चुका है क्योंकि सिर्फ मैं और जनक दोनों ही है। मैं वॉक कर रही हूँ, ये देखिए और जनक यही कहीं पे होंगे, किधर गए। हाँ हो रहे हैं ना, मतलब हम दोनों ही है। तो बस चल रहा है, ये रहा मेरा, चलिए 20 मिनट वॉक करती हूँ, 15 मिनट हो चुकी है, वॉक करके निकलते हैं। और जनक पता नहीं वहाँ पीछे क्या तब से। तो फ्रेंड्स मेरा वॉक हो चुका है और जनक के भी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हो चुकी है, और बोलने की भी ताकत नहीं, एनर्जी तो बहुत मस्त सी जाती है यहाँ पर। यस फ्रेशनेस आ जाता है ऐसे बॉडी में जैसे अभी ही उठे हैं और पूरे दिन के लिए रेडी हो चुके हैं हम। तो जिम इज़ द मस्ट फ्रेंड, आप जाइए एक्सरसाइज कीजिए, मतलब जिम मतलब कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर एक्सरसाइज कीजिए, है ना। बॉडी एकदम से मस्त फ्रेश हो जाती है। और एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेच भी कीजिए। हाँ स्ट्रेचिंग ये वाला देखिए, यहाँ भी उनका स्ट्रेचिंग चल रहा है तो वो कर रहा है उनका, और मैं बैठी हुई यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग का एंड भी यही करते हैं आज। मस्त 11 का दिन बहुत अच्छा रहा, हमारा पास था हमें पता ही नहीं चला। हाँ चतुर्मास मैं तो देख ही नहीं रही, मैं क्या कर रही हूँ। ये रहे आप अब दिख रहे हो। हाँ तो चतुर्मास आज से शुरू, लाइए आप तो सॉरी तो आप कैमरा। तो बस चतुर्मास शुरुआत से, और देखते हैं थोड़े दिन में तो श्रावण महीना भी आ जाएगा, और बस महादेव जी की पूजा करेंगे और उनका नाम लेंगे, सब अच्छा होगा, उनका जाप करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल अच्छे दिन के साथ। गुरुवार का दिन, मुझे भी कल जाना है तो दोनों साथ जाएंगे कल जॉब पर, तो अपना भी ख्याल रखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए पूजन डायरीज को, और ऐसे ही हमारे ब्लॉग मस्त कोशिश से देखते रहिए। आपको कुछ और जानना हो देखना हो तो अभी आप कमेंट में लिख सकते हो, और हमसे अगर कुछ गलती भी हो जाए तो भी कमेंट में लिख सकते हो। हाँ तो चलिए मिलते हैं कल वापस ऐसे ही स्माइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। To the city streets, we began to feel